सो हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से एक नया दिन है और फिर से ट्रेल्स पे जा रहे हैं। एंड फॉर अ चेंज आज मेरे साथ ऋषभ या फिर कोई एक्सपल्स या कोई हिमालयन या कोई जीएस नहीं है। आज मेरे साथ है एक R15 और उस पर है मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त शहनवाज। तो कहने लगा कि भाई मुझे भी ट्रेल्स करने हैं। तो मैंने कहा भाई वाई नॉट, स्कूटर्स कर सकते हैं तो लाइट ट्रेल्स तो R15 पे भी हो सकती है, क्योंकि आई नो पीपल जो RR 310 पे बहुत ख़तरनाक ऑफ रोड करते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, अगर राइडर पैशनेट है तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे इनकी गाड़ी वहाँ वहाँ जाएगी। पिछली बार हम एक ट्रेल पे गए थे, इस बार हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं, इस बार हम दूसरे पे जाने वाले हैं जो थोड़ा सा और छोटा है। बट अच्छी बात यह है कि अंदर थोड़ा सा ड्राई स्लश टाइप का है, वहाँ पे फिगर ऑफ एट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और स्टैटिक बैलेंसिंग वहाँ पे प्रैक्टिस कर बहुत अच्छी हो जाती है। तो ड्राई स्लश में भी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब ट्रैक्शन ना हो और ऑलमोस्ट ज़ीरो ट्रैक्शन पे आपको क्या कैसे करना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो या विल सी यू एट द ट्रेल्स। सो दिस इज़ वेयर द ट्रेल्स स्टार्ट। अगेन लोकेशन नहीं बताऊँगा, पता है तो आ जाना और आना तो कोई नौटंकी मत करना। ऐसा लग रहा है जलाया गया है। जलाया गया कि खुद से जल जाता है जानबूझ के, काहे के लिए? अरे थोड़ा बहुत होता है ना। अच्छा, तो यहाँ से यही वो ट्रेल्स हैं और ज़्यादा बड़े ट्रेल्स नहीं है, छोटे ही ट्रेल्स हैं। तो यहीं पे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। चला लो भाई, ये भी ठीक है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, बस गिरना मत। हम आगे चल रहे हैं। ठीक। आज ऑफ रोड पे R15 चलाएंगे। गाड़ी तो कोई भी चलती है यार, राइडर के ऊपर होता है कि वो चला पाता है या नहीं। राइडिंग इन R15 ऑफ रोड, नाइस कंटेंट यार। तो हम गलत जगह पे आ गए हैं, हमें वापस जाना है। आगे से एक था, इधर आओ। एक और चीज़ का इन बाइक्स में ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें ये सब जो निकले हुए हैं इनसे स्क्रैचेस पड़ सकता है फेयरिंग पे, और फेयरिंग जो होती है दैट इज़ प्रेटी एक्सपेंसिव ऑन सच बाइक्स। ऑल्दो ये आई नो दिस इज़ वेरी कमिटेड मोटरसाइकिल, यू नो प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक 150 cc में, आई डोंट थिंक कि इंडिया में इससे ज़्यादा कमिटेड बाइक आती होगी। एंड सस्पेंशंस भी इसके काफ़ी अच्छे हैं ऑफ रोड पे। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड यार, दिस इज़ द ट्रेल। इन गाड़ियों में बेसिकली आपके अप्रोच एंगल का प्रॉब्लम होता है, उतार आप कहीं से भी तो द बाइक्स नॉट गोना टच एनीवेयर। गंदी तो हो ही जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि यही है वो ड्राई स्लश वाला एरिया जहाँ पे मैं फिगर ऑफ एट प्रैक्टिस करूँगा और मे बी ये देखेगा, कुछ वीडियोस बनाएगा, हेल्प कर देगा। सो या अब हम आपसे मिलते हैं, एक और जगह जाएंगे, वहाँ पे मैं स्टेयर्स पे चढ़ाने का ट्राई करूँगा, तो वहाँ पे मिलते हैं हम आपसे। एंड या स्टे हाइड्रेटेड। देखो मैं भी अपना हाइड्रेशन पाउच कैरी करता हूँ अपने साथ, अपने इस बैग में, तो इससे जब भी प्यास लगे तो। और बताओ कैसा लगा ट्रेल्स पे इससे? अबे ये भी सही चल रही है, कहीं से छुई नहीं है ना। बहुत बढ़िया। अबे इसका सस्पेंशन पता है बहुत सही है। उसका। किसका उसका। इतना ज़्यादा भी नहीं है वे, इतना ये सब जो है ना छोट है। वो तो बनी उस काम के लिए, बट ये उस काम के लिए नहीं बनी है तब भी बहुत सही थी। I'm coming for the throne.
be my enemy. You should have known I'd never kiss. Okay, so off-roading is very tiring, man. We are done with off-roading. I am taking this क्योंकि उसको उतना confidence अभी इस पर आ नहीं रहा है. और you know what I think, this is pretty good on off-road. क्या बोल रहा हूँ यार, सांस फूलने लगती है. अरे ले ओ, अरे रुको, आ रहा हूँ, रुको 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 रुको. शिट, रुको 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 रुको. पैर निकल गया, उधर तो न्यूट्रल. ये मेरे साथ भी हो चुका है. शिट यार, रुको. फक, गिरे कैसे? अरे यार ऊपर खड़ा होते हुए न्यूट्रल है, पैर निकल गया ना. तुम्हें तो नहीं लगी? नहीं लगी. हाँ वो उठा रहा हूँ. शिट यार, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू कम फॉर ऑफ रोडिंग. अरे कोई बात नहीं, तुम्हें तो नहीं लगी ना? कोई बात नहीं भाई, मैं भी R15 एक बार गिराऊंगा. सम स्क्रैचेस हियर, सम स्क्रैचेस हियर. इंडिकेटर है? अरे स्क्रैच से कुछ नहीं होता है. ऑल इंडिकेटर ठीक है बे, कुछ नहीं हुआ. तुमको तो नहीं लगी? कोई बात नहीं बे, शिट हैपेंस. कुछ हुआ नहीं तो कोई ठीक है, कोई बात नहीं. कुछ हुआ होता तो तुम पैसे दे दे रहे हो. नहीं ऐसे कुछ हुआ नहीं है. अबे अच्छा है, फोन निकाल लिया था यहाँ से. हाँ, स्पीड में थे क्या? नहीं यार, अबे ना कोई आवाज़ ही ना आई, ऐसे पहले पहले पड़े हुए थे. सही है भाई, अबे सही है यार, ऊपर चढ़ाते भी नहीं उठ रहा. मेरे साथ भी एक बार हो चुका है, देखा था ना वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला था. मेरे साथ भी हो चुका है. चलो, अरे हाँ थैंक यू, थंबनेल मिल गया. गिरा हुआ साफ. चलो आराम आराम से चलो. हाँ अबे जरा ये सुनो, बाइक हल्के आगे करके देखना, वो नीचे से छुए ना, क्योंकि ये हल्का सा स्टीप है. आगे करके देखो. दैट इज़ व्हाई डोंट गिव माय बाइक टू एनीवन. चलो ये तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं तो हल्का सा है, लेकिन बाइक बन जाती है. बट इट्स वो ऐसा लगता है कि वो हल्की है, बट वो उतनी हल्की है नहीं. कि एक बार वो अगर झुक जाती है तो फिर काफ़ी मुश्किल है उसे उठाना. नहीं वैसे यार, अबे यार थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है, बट छोड़ो. सही है, सही चढ़ गई. अरे बहुत बढ़िया यार, चलो आगे आगे चलो, आ जाओ. So yeah, I think it's enough for the day. और अभी I'll head back home, क्योंकि of course थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है. पहली बार गिरी है, एक्चुअली पहली नहीं दूसरी बार गिरी है, बट कुछ हुआ नहीं थैंकफुली. ना इसको हुआ ना. हाँ भाई यार, गलती से गिर गया. चलो ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. और फिर एक फ्रेश मूड के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ. I'm coming for the car.